क्या 2024 तक इंडिया में ऑनलाइन गेमिंग को बंद कर दिया जाएगा? और आज आप कुछ ऐसा देखने वाले हैं जिसके बाद आप टॉयलेट फ्लश करने पर भी दो बार सोचेंगे। साथ ही साथ क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर इंडियन यूथ को इतना ज्यादा हार्ट अटैक क्यों आता है? तो इस कॉमेंट के चलते अलग ही लेवल की एनर्जी को फील करते हुए आज रोले काटेगा तुम्हारा भाई। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 20। अक्सर आपने फिल्मों के बहुत से सीन्स में तो ये देखा होगा कि सिर्फ एक मिनट के सीन के लिए ही करोड़ों रुपए की गाड़ियों को उड़ा दिया जाता है, जिसे देख आपको भी लगता होगा कि भाई देखो प्रोड्यूसर ने हमें एंटरटेन करने के लिए कितने करोड़ों रुपए का खर्चा कर दिया। बट एक्चुअली गाइज, मैं आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हकीकत में सारी चीजें हमें बेवकूफ बनाने के लिए की जाती हैं। रोहित शेट्टी सर, आपकी पोल खोल रहा हूं, आप बस दया करना मुझे मत खोल देना। दरअसल गाइज, इन सीन्स को रियल गाड़ियों के बजाय कुछ इस तरीके की टॉय कार्स को एक रूम के अंदर रखकर क्रोमा को चारों ही तरफ लगाकर कैमरा एंगल को कुछ इस तरीके से सेट किया जाता है कि जब इस एंटायर सीन को शूट किया जाए तो बड़े पर्दे पर हमें ये हकीकत का सीन लगने लगे। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि जब भी किसी भी फ्रेम में किसी भी गाड़ी को उड़ाना होता है तो उसे शूट करने के लिए इन टॉय कार्स को एक इनविजिबल वायर की मदद से ठीक उसी फ्रेम पर हवा में उड़ा दिया जाता है, और पर्दे पर VFX के थ्रू हमें ऐसा लगता है कि मानो करोड़ों रुपए की कार को ऐसे ही प्रोड्यूसर ने उड़ा डाला हो। सो आई होप आज आपने इन सीन्स की पोल खुलते हुए तो जरूर देखा है। नंबर 19। क्या आपको पता है कि न्यूयॉर्क में अब हर टेढ़े मेढ़े लूले लंगड़े लंगड़े को बेहद ही सुंदर वाइफ मिलेगी। चल 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 चल, गाड़ी स्टार्ट कर, क्योंकि भैया वहां पर अब हर किसी की सरकारी नौकरी जो लग रही है। कैसे, चलिए बताता हूँ। असल में गाइस, न्यूयॉर्क शहर पिछले काफी लंबे समय से चूहों की बढ़ती हुई आबादी से काफी ज्यादा परेशान है, जिसके चलते हुए वहां पर चूहों की आबादी करीब 1,80,00,000 को भी पार कर चुकी है। और अब इन्हीं से ही छुटकारा पाने के लिए यूएसए गवर्नमेंट ने स्पेशली कुछ ऐसे लोगों को जॉब पर हायर किया है जो कि इन चूहों को पकड़कर इनकी आबादी को कम कर सके। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि सरकारी नौकरी में काम करने वाले हर एक शख्स को सालाना 1,15,00,000 रुपए की सैलरी भी दी जाएगी, जो अपने आप में माइंड ब्लोइंग जरूर है। नंबर 18। हम सभी जानते हैं कि परफेक्ट डेट बनने के लिए अच्छे एटिकेट्स, गुड लुक्स और अच्छी हेयर स्टाइल काफी ज्यादा मैटर करती है, लेकिन दूसरे के शरीर की बदबू से इंप्रेस होकर कौन डेट करता है यार? और मनीषा, मैं बहुत सीधा बच्चा हूँ, मैं ऐसी वैसी हरकत नहीं करता, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। जयपुर को कहते हैं गुलाबी शहर, बापू मेरे सागर, मैं उनकी लहर। असल में गाइस, बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन प्रेजेंट डेट में न्यूयॉर्क में स्मेल डेटिंग ट्रेंड बहुत बड़े स्केल पर चल रहा है, जिसमें कपल्स एक दूसरे की गंदी टी शर्ट को सूंघते हैं, और जब दोनों ही इंसानों को एक दूसरे की गंदी स्मेल पसंद आ जाती है तो वो आपस में डेटिंग करना शुरू कर देते हैं। अब हैरानी की बात यह है दोस्तों कि अभी तक इस अजीब सी डेटिंग ट्रेंड से 400 से भी ज्यादा लोगों की आपस में शादी हो चुकी है। बदबूदार लेकिन सच। नंबर 17। गाइस, अपने फेवरेट बॉलीवुड सिंगर को देखकर हमें से बहुत से लोगों को लगता है कि भैया इनका बिजनेस तो टॉप एंड चल रहा है, लखों छप रहे हैं लखों। और यकीन मानो गाइस, अगर आप भी समझते हो तो मुझे माफ करना, लेकिन आज मैं आपका प्यारा सा मॉम का दिल तोड़ने वाला हूँ। असल में गाइस, बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन 99% केसेस में बॉलीवुड की किसी भी मूवी में किसी भी सॉन्ग को गाने के लिए किसी भी सिंगर को एक सिंगल रुपया तक नहीं मिलता। और ऐसा मैं नहीं बल्कि खुद बॉलीवुड के बड़े बड़े सिंगर्स कह चुके हैं, क्योंकि इस केस में बॉलीवुड उसे साफ कहता है कि वो अपनी मूवी में आपको सॉन्ग गाने का चांस दे रहा है तो भैया यही बहुत बड़ी बात है, पैसे दो भूल ही जाओ। तो फिर इस केस में सवाल तो ये उठता है कि आखिर फिर बॉलीवुड सिंगर्स पैसे कमाते कैसे हैं? असल में गाइस, मैं आपको बता दूं कि जब भी किसी भी मूवी का कोई भी सॉन्ग हिट होता है तो एक प्लेबैक सिंगर लाइव कॉन्सर्ट में जाकर उसे गाकर पैसे को अर्न करता है। तो भाई लोगों, अगर आपने आज कुछ नया जाना हो तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर ठोक देना। नंबर 16। गाइस, अभी मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाने वाला हूँ जिसके बाद आप टॉयलेट फ्लश करने से भी डरेंगे। असल में गाइस, अभी हाल ही में की गई स्टडी से बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि जब भी हम टॉयलेट या फिर फ्रेश होने के बाद उसे फ्लश करते हैं तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस पानी की वजह से हजारों की तादाद में बैक्टीरिया आपकी टॉयलेट सीट से ऊपर बाउंस करते हैं, जिसे आप यूवी लाइट में बेहद आसानी से देख भी सकते हैं, या यूं कहूं कि देखने भी वाले हैं। दूसरे भाई, स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें आप बेहद साफ तौर से देख सकते हैं कि कैसे फ्लश करने के बाद कितनी बड़ी क्वांटिटी में बैक्टीरिया टॉयलेट सीट से बाहर आ जाते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अब तुम लोग टॉयलेट फ्लश करना ही बंद कर दो, क्योंकि उस केस में मम्मी की उड़ती हुई चप्पल आएंगी, और वो भी इन बैक्टीरिया से काफी ज्यादा तेज। हाँ, एक चीज जो आप कर सकते हो वो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस करना। नंबर 15। गाइस, अगर आप भी हॉस्टल में रहते हैं तो भाई समझ के आपको एक एडवाइस दे रहा हूं कि इस फैक्ट को स्किप कर लो, वरना तुम्हारी रातों की नींद उड़ने वाली है। क्योंकि अभी हाल ही में भोपाल जिले में मुफ्त का खाना खाने के शौकीन एक हॉस्टल के स्टूडेंट को शादी में खाना पेलते हुए पकड़ लिया गया। अब देखो गाइस, इस सिचुएशन में नॉर्मल स्टूडेंट को डांट कर या फिर धमका कर शादी से बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन भैया वो शादी थी एक इंजीनियर की जो ऑलरेडी अंदर से वैसे भरे बैठे रहते हैं। तो भैया उसने उस स्टूडेंट को पकड़कर पूरी ही शादी के बर्तन ही उस लड़के से कुछ इस तरीके से धुलवा दिए।
और रही सही उसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। देख रहे हो विनोद क्या चल रहा है समाज में। नंबर 14, क्या आपको बताया कि नॉर्थ कोरिया के लीडर और हमारे प्यारे लकड़बग्गा भैया इस पूरी दुनिया के इकलौते ऐसे शख्स हैं जो जब भी किसी भी कंट्री के होटल से चेकआउट करते हैं तो उनके सिर्फ टॉयलेट को ही साफ करने के लिए नॉर्थ कोरिया की फॉरेंसिक टीम जाती है। असल में गाइस किम जोंग उन अपनी पॉर्टी को लेकर कुछ ज्यादा ही कॉन्शियस रहते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर बाई चांस उनकी गंदगी टॉयलेट सीट में लगी हुई रह गई तो उसको एग्जामिन करने के बाद नॉर्थ कोरिया और दुनिया को उनकी हेल्थ के बारे में पता चल जाएगा और इसलिए चेकआउट के तुरंत ही बाद एक फॉरेंसिक टीम उस वॉशरूम में जाकर किम जोंग उन के द्वारा फैलाई गई सारी ही गंदगी के नामो निशान को साफ कर देती है। मैं देखो बिल्कुल सीरियस हूँ, इस इंसान की ऊपरी मंजिल का जो लैंटर है ना वैसे टप टप करके चुचाता है। मैं अब भी बोल रहा हूँ कि इसके दिमाग में एमसी लगवा दो वरना ये ऐसी औणी तेरी हरकतें करता रहेगा। नंबर 13, क्या को बताया कि हमारे देश भारत में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहाँ पर किसी भी इंसान के देहांत के बाद उसको शमशान घाट नहीं बल्कि एयरपोर्ट ले जाया जाता है। असल में गाइस गुजरात के बारडोली में मौजूद एक शमशान घाट को कुछ और नहीं बल्कि एयरपोर्ट की थीम पर ही डिजाइन करके बनाया गया है और इसलिए इसका नाम भी अंतिम उड़ान मोक्ष यात्रा है। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस एयरपोर्ट पर जब भी किसी भी बॉडी को लाया जाता है तो उसे कुछ इस तरीके के दो रेप्लिका हेलीकॉप्टर में रखा जाता है जिनका की नाम मोक्ष एयरलाइंस और स्वर्ग एयरलाइंस है। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि जब इन बॉडीज को जलाया जाता है तो एक्चुअली में ये हेलीकॉप्टर्स ऐसी साउंड को निकालना शुरू कर देते हैं जिससे सुन लोगों को ये लगता है कि हकीकत में ये टेक ऑफ करने वाला है और इसलिए इस शमशान घाट को भारत का तो छोड़ो दुनिया का सबसे विचित्र शमशान घाट माना जाता है। नंबर 12, वैसे तुम सभी को पता है कि हैंडपंप से पानी निकलता है लेकिन आखिर फिर मध्य प्रदेश के गुना जिले में ऐसा क्या हो गया जिसके चलते हुए हैंडपंप से अब शराब निकल रही है। कहीं दुनिया का अंत नजदीक तो नहीं आ गया विनोद। दरअसल गुना जिले के भानपुरा में जब पुलिस ने रेड मारी तो उन्होंने ये देखा कि एक हैंडपंप से पानी की बजाय रॉ अल्कोहल ही निकल रहा है जिसे इन्वेस्टिगेट करने के बाद लोगों को ये पता चला कि शराब की स्मगलिंग करने के लिए लोगों ने इसी स्पेशल हैंडपंप को अंडरग्राउंड अल्कोहल की 8 टंकियों से जोड़ रखा है ताकि लोगों को पता भी ना चले और उनका धंधा एकदम मस्त मक्खन माफिक चलता रहे। लेकिन भैया ये इंडियन पुलिस है, ये मुर्दों से सच उगलवा लेती है, ये शराब वाला कांड क्या चीज है। नंबर 11, दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया सबसे रही सबसे लंबा सबसे गुड लुकिंग इंसान कौन सा है तो आप चुटकी बजाते ही उसका आंसर दे देंगे लेकिन इससे उलट अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको बताया कि इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा किसान कौन सा है तो क्या आप उसका आंसर दे पाएंगे। एक्चुअली आप नहीं दे पाएंगे क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते क्योंकि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि हमारे बिल्ली भैया यानी कि बिल गेट्स हैं। असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा लेकिन बिल गेट्स ऑफिशियली पूरी दुनिया के सबसे बड़े फार्मर हैं जिनके पास लगभग 3 लाख एकड़ की जमीन है जिसे अर्थ से तो छोड़िए आप स्पेस से भी बेहद आसानी से देख सकते हैं। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि यूएसए के 18 स्टेट्स तक फैले हुए इन फार्म्स में इतने बड़े स्केल पर आलू को उगाया जाता है कि लगभग आधी दुनिया में मौजूद मैकडॉनल्ड्स अपने फ्रेंच फ्राइज में बिल गेट्स के ही खेतों के आलू का यूज करते हैं। मतलब देख रहे हो बिल्ली भैया तो किसानी में भी रौले खाटे हुए हैं और यहां हम 2 मिलियन तक नहीं पहुंच पा रहे। नंबर 10, गाइस इंसान एक ऐसा विचित्र प्राणी है जिसकी प्रेजेंट डेट में लगी पड़ी होने के बावजूद भी उसे अपने भविष्य जानने की एक अलग ही लेवल की चुल होती है और इसलिए वो बहुत से लोगों के पास जाकर अपने हाथ पैर और पता नहीं क्या क्या दिखाकर अपने भविष्य को जानना चाहता है। लेकिन क्या आपको बताया गया अगर आपने यही काम ओरेगन में जाकर कर दिया तो भैया आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। असल में गाइस ओरेगन इस पूरी दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है जहां पर किसी भी इंसान का भविष्य बताना या फिर किसी भी इंसान के द्वारा अपने भविष्य का पता किया जाना पूरे ही तरीके से इल्लीगल है क्योंकि यहां की गवर्नमेंट का यह मानना है कि इस दुनिया में मौजूद कोई भी शख्स आपके भविष्य के बारे में नहीं बता सकता और इसलिए हम इंसानों को भविष्य की चिंता छोड़कर अपने प्रेजेंट को सुधारना चाहिए। वैसे क्या इस चीज को इंडिया में भी लाना चाहिए आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जरूर। और मनीषा तुम सीधा डीएम करना, तुम कमेंट के चक्कर में मत पड़ी रहना, ये भरे बैठे हैं तुम कमेंट कर भी मत देना। नंबर 9, नॉर्मली माना जाता है कि मृत्यु के बाद हमारी सोल हमारी ये कातिलाना बॉडी को छोड़कर किसी दूसरी बॉडी में चली जाती है लेकिन क्या हो कि अगर हमारी सोल ही कंफ्यूज किया जाए और वो गलत शरीर में चली जाए। मिलिए नॉर्वे में रहने वाली 20 साल की नैनो से जिन्हें 16 साल की उम्र से ही आभास हुआ कि एक्चुअली में ये एक कैट है लेकिन गलती से ये इंसानी शरीर में पैदा हो गई और ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि इन्हें भी एक कैट की तरह रात में सारी ही चीजें साफ तौर से नजर आती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि किसी भी चूहे को देखकर अंदर से बेहद ही अलग लेवल की बेचैनी भी महसूस करती हैं जिसके बाद ये तुरंत ही उसे जाकर पकड़कर खत्म कर देती हैं। और अभी भी आपको अगर कोई कंफ्यूजन है तो मैं आपको बता दूं कि बेहद ही आसानी से हर किसी कैट से एक अलग ही लैंग्वेज में बात करके उसे कोऑर्डिनेट तक कर लेती हैं और यही चीज रिसर्चर्स की रातों की नींद ही
उड़ाए हुए है। नंबर 8, क्या आपको पता है कि यूपी के गोरखपुर में पिछले कुछ समय से लोग अपने सारे ही काम धंधों को छोड़कर शहर की नालियों को साफ करने में लगे हुए हैं। नहीं भैया, इन्हें शहर की सफाई से लेना देना नहीं है, क्योंकि ऐसा होता तो गोरखपुर पहले से ही चमक रहा होता। एक्चुअली में ये लखपति बनना चाहते हैं। असल में गाइस, इस शहर में सैकड़ों गोल्ड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग दुकानें मौजूद हैं, जिसके चलते हुए जब इन दुकानों में गोल्ड ऑर्नामेंट्स को बनाया जाता है तो इनके कारीगरों से छोटे छोटे गोल्ड के कण अक्सर कचरे में चले जाते हैं, जो कि धुलाई के दौरान गोरखपुर की नालियों में अक्सर बहते हुए भी नजर आते हैं। अब क्योंकि प्रेजेंट डेट में गोरखपुर में ये बिजनेस काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है, तो यहाँ की नालियों में भी अक्सर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बड़े स्केल पर गोल्ड हमें देखने को मिल रहा है, और इसीलिए गोरखपुर में ये अलग ही लेवल का कांड बहुत बड़े स्केल पर चल रहा है। नंबर 7, इस दुनिया में एक ऐसा प्राणी भी मौजूद है जिसकी हालत को देखकर ये लगता है कि इसका जन्म तो घर वालों के ताने को सुनने और समाज में धक्के खाने के लिए ही हुआ है, और वो प्राणी कोई और नहीं बल्कि हम लड़के ही हैं। लेकिन क्या हो कि अगर आगे आने वाले समय में इस अर्थ से हम लड़कों का अस्तित्व ही खत्म हो जाए, तब आएगा मजा, फिर देना किसको दोगे ताने। असल में गाइस, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी लड़के के जन्म के लिए वाई क्रोमोसोम काफी ज्यादा रेस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन क्या आपको बताया गया, अभी हाल ही में प्रेसिडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस की एक स्टडी ने यह खुलासा किया है कि प्रेजेंट डेट में वाई क्रोमोसोम काफी तेजी के साथ कम हो रहा है, जिसके चलते हुए आगे आने वाले समय में इस अर्थ से लड़कों की तादाद काफी ज्यादा तेजी के साथ गिरेगी, और ये बैलेंस किस कदर गिरेगा इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इसी चीज से लगा सकते हैं कि आगे आने वाले कुछ ही सालों में पैदा होने वाले बच्चों का लगभग 70% सिर्फ लड़कियां ही होंगी। अजीब लेकिन सच। नंबर 6, गाइस, अभी तक अगर हमें इंटरेस्ट फ्री लोन चाहिए होता था तो हमें उसके लिए कुछ काफी ज्यादा कीमती चीज को गिरवी रखना पड़ता था, लेकिन क्या आपको पता है कि अब से अगर केरल के वायनाड जिले में आप इसी तरीके के लोन्स को लेना चाहते हैं तो आपको इस पूरे ही अर्थ की सबसे ज्यादा प्रीशियस चीज को गिरवी रखना होगा, और वो है आपके खेतों में लगे हुए पेड़। असल में गाइस, इस स्टेट ने कटते हुए पेड़ों की संख्या को कम करने और नए प्लांटेशन को बढ़ाने के लिए एक बेहद यूनिक स्कीम को निकाला है, जिसके तहत कोई भी किसान सिर्फ अपने खेतों में लगे पेड़ को ही गिरवी रखकर कोई भी इंटरेस्ट फ्री लोन ले सकता है। और वास्तव में अगर ये चीज पूरी दुनिया में अप्लाई हो जाए तो बहुत से अपंग दिमाग वाले लोगों को एक्चुअली में समझ में आएगा कि हकीकत में पेड़ हमारे लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, अगर आपको मेरी बात सही लगी हो तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर ठोक दीजिएगा। नंबर 5, बालों में पड़ी हुई लाइस हमें कभी भी नहीं लगती नाइस, क्योंकि ये अच्छे खासे इंसान को इरिटेट कर देती है, लेकिन क्या आपको पता है कि खुजली की इस दुकान का ओरिजिन कभी इंडिया था ही नहीं। हकीकत में ये अंग्रेज यहां पर लेकर आए थे और मुकदमा हमें बढ़ रहा है। असल में गाइस, बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन लाइस का ओरिजिन नॉर्थ अमेरिका में हुआ था, जिसके बाद जैसे जैसे बिजनेस ट्रेड आगे बढ़ने लगा, बालों में जू को लेकर अंग्रेज अलग अलग देशों में पहुंचने लगे, और आज देखते ही देखते नॉर्थ अमेरिका से निकली हुई ये लाइस लगभग पूरे ही वर्ल्ड को टेक ओवर कर चुकी है। वैसे क्या आप लाइस की इस अमेजिंग सी हिस्ट्री के बारे में जानते थे, कॉमेंट करके बताइएगा जरूर। नंबर 4, गाइस, आज मैं आप सब लोगों को एक ऐसे आर्टिस्ट से मिलवाने वाला हूं जिनका नाम है डेविड पोपा, जो उतार रहे हैं एनवायरनमेंट के दुश्मनों का टोपा। मैं सच बता रहा हूं, ये मनीषा के कमेंट का ही जादू है, मतलब अलग ही लेवल की राइमिंग चल रही है आज वीडियो में। असल में गाइस, इस आर्टिस्ट की खास बात यह है कि ये अपने आर्ट को किसी पेपर पे नहीं बल्कि मेल्टिंग आइस पर बनाते हैं। दरअसल ये लोगों को ग्लोबल वार्मिंग से अवेयर करने के लिए गलते हुए ग्लेशियर्स के पास जाते हैं और वहां पर ये कुछ इस तरीके की आर्ट को बनाते हैं, जो देखने में भले ही काफी ज्यादा सिंपल लगे, लेकिन एक्चुअली में इसे बनाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ये आर्ट हर वक्त ही अपने स्ट्रक्चर को बदलती रहती है। नंबर 3, दूसरा वाला फैक्ट करंट अफेयर की तस्वीर है। क्या होता है कि अभी हाल ही में हैदराबाद में दुनिया के सबसे पहले रियल टाइम गोल्ड एटीएम को लगाया गया है, जिससे आप रियल टाइम में सोने के सिक्के निकाल सकते हैं, और ये चीज हमारे देश भारत के लिए एक रिकॉर्ड है। नंबर 2, ये वो दौर था जब हार्ट अटैक को बुजुर्गों की बीमारी माना जाता था, लेकिन प्रेजेंट डेट में हमें इंडिया में ऐसे हालत आज देखने को मिल रहे हैं जिसमें हार्ट अटैक के 50% पेशेंट 50 साल की उम्र से भी कम के हैं, और ये आंकड़े आपको और ज्यादा तब हिला देंगे जब आपको ये मालूम पड़ेगा कि अभी हाल ही में किए गए सर्वे से बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि हर दिन 30 साल से कम उम्र के लगभग 9 लोग इंडिया के अंदर हार्ट अटैक से खत्म होते हैं। तो फिर ऐसे में ये सवाल तो जरूर उठता है कि भैया, आजकल ये हार्ट अटैक हमारे इंडियन यूथ के पीछे हाथ धोकर पड़ा ही क्यों है। असल में दोस्तों, इसके पीछे बहुत से कारण है। बात अगर सबसे पहले कारण की जाए तो वो है ज्यादा स्ट्रेस। असल में दोस्तों, माने या फिर ना माने, लेकिन प्रेजेंट डेट में इंडियन यूथ जॉब ना मिलने की वजह से बहुत बड़े प्रॉब्लम से जूझ रहा है, जिसके चलते हुए हमारे दिमाग में हर वक्त ही एक अजीब सा बर्डन बना रहता है। अब क्योंकि ना ही बचपन से हमें यह पढ़ाया जाता है और ना ही हमें इस चीज की ट्रेनिंग दी जाती है कि एक्चुअली में हम हमारे इमोशंस को कैसे दूसरों के साथ शेयर करके उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसी वजह से शक्ति दिखाने के लिए कहीं ना कहीं हम हमारे इमोशंस को हमारे अंदर ही रखते हैं, और आगे चलकर यही इमोशन और बर्डन हार्ट अटैक का एक बहुत बड़ा कारण बनते हैं। तो मैं दोस्तों, बात अगर आप दूसरे
दूसरे कारण की जाए तो वो है पुअर फूड क्वालिटी। अगर आज हमें कुछ भी खाने के लिए चाहिए होता है तो हम उसे चुटकी बजाकर ही ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, जिसकी वजह से आज एवरेज हर एक इंडियन यूथ की फूड ईटिंग क्वालिटी पिछले 5 सालों के मुकाबले में लगभग 60% तक गिर गई है। और हम जंक फूड की तरफ कुछ ऐसे अट्रैक्ट होते हैं कि मानो ये कोई जंक फूड नहीं बल्कि सुपर फूड हो, और इसी वजह से इंडियन यूथ में हार्ट अटैक के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो वहीं दोस्तों बात अगर अब तीसरे कारण की जाए तो वो है कम फिजिकल एक्सरसाइज। असल में गाइस आफ्टर कोविड बहुत सी जॉब्स आज वर्क फ्रॉम होम के थ्रू काम करती हैं, जिसके चलते हुए हमें एक ही जगह पर बैठकर घर में घंटों ही काम करते रहना पड़ता है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, लेकिन अगर आप घंटों एक ही जगह पर बैठे रहते हैं या फिर सिर्फ गलत ही पोस्चर में कुछ ही समय बैठते हैं तो वो भी हार्ट अटैक का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है, और इसी के साथ ड्रिंकिंग और स्मोकिंग तो हैं ही। और यही वो सारे कारण हैं जिसके चलते हुए आज इंडियन यूथ पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा यूथ बन चुका है जिस पर हार्ट अटैक के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो गाइज अभी भी समय है, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर लो और हकीकत में रौले काट लो। नंबर वन, क्या साल 2024 तक इंडिया में ऑनलाइन गेमिंग को बंद कर दिया जाएगा? असल में गाइस आप माने या फिर ना माने, लेकिन आगे आने वाले 1 या 2 साल इंडिया के अंदर ऑनलाइन गेमिंग पर काफी ज्यादा भारी पड़ सकते हैं। कैसे, चलिए समझाता हूँ। असल में गाइस हर एक कंट्री की गवर्नमेंट का प्राइमरी काम अपने सिटीजन को हर तरीके से सेव करना होता है। तो वही बात अगर प्रेजेंट डेट में ऑनलाइन गेमिंग की जाए तो वर्ल्ड वाइड सिर्फ ऑनलाइन गेमिंग ज्यादा खेलने की वजह से ही बच्चे स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, जिसके चलते हुए वो आगे जाकर खुद को ही बहुत बड़े स्केल पर खत्म कर रहे हैं। और ये चीज सिर्फ विदेश तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि अगर आप इंडिया पर भी नजर डालेंगे तो आप ये पाएंगे कि ऑलमोस्ट हर 10 से 15 दिन के अंदर एक बच्चा खुद को या फिर अपनी फैमिली को सिर्फ ऑनलाइन गेमिंग के चलते हुए ही खत्म कर देता है। और यही एग्जैक्ट सेम चीज आज से कुछ समय पहले जापान और चाइना भी बहुत बड़े स्केल पर फेस कर रहे थे, जिसके चलते हुए जापान ने ऑनलाइन गेमिंग को बहुत बड़े स्केल पर रेस्ट्रिक्ट कर रखा है। तो वही बात अगर चीन की जाए तो चीन में 18 साल से छोटे बच्चे तो हफ्ते में सिर्फ 2 ही दिन सिलेक्टेड घंटों के लिए ऑनलाइन गेमिंग कर सकते हैं, तो वहीं 18 साल से बड़े बच्चे भी दिन में सिर्फ 2 ही घंटे ऑनलाइन गेमिंग कर सकते हैं। तो वहीं दोस्तों बात अब अगर साउथ कोरिया की जाए तो साउथ कोरिया में भी आप दिन के कुछ सिलेक्टेड घंटों में ही ऑनलाइन गेमिंग कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि यूएसए में 10 से भी ज्यादा ऐसे स्टेट्स मौजूद हैं जहां पर ऑनलाइन गेमिंग को पूरी तरीके से बैन कर रखा है। और इन सारी ही चीजों के पीछे सिर्फ एकमात्र कारण है, वो है यूथ की डिप्रेशन और एंजाइटी। तो वहीं दोस्तों अब बात अगर विदेश को छोड़कर हमारे देश भारत की ही की जाए तो हमारे देश में भी एमपी गवर्नमेंट ये बिल्कुल ही साफ तौर से कह चुकी है कि वो बहुत ही जल्द ऑनलाइन गेमिंग को रेस्ट्रिक्ट करने के एक नए लॉ को ला रहे हैं। और अगर ये लॉ काफी ज्यादा सही हुआ तो इसे पूरी कंट्री में फैलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, और इसलिए अब बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ये कयास लगा रहे हैं कि मे बी आगे आने वाला 1 साल इन्हीं तरीके की रेस्ट्रिक्शंस के साथ बीतेगा। लेकिन अगर फिर भी ये चीजें नहीं थमी तो शायद आगे चलकर इंडिया में ऑनलाइन गेमिंग को पूरे ही तरीके से बंद कर दिया जाए, क्योंकि आपकी हेल्थ और आपकी फिजिकल एबिलिटी देश के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप सीधे ही मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए गूगल पर जाकर आप सिर्फ आकाश अरोड़ा टाइप कर सकते हैं और गूगल महाराज आपको सीधा ही सीधा मेरी आईडी तक ले आएंगे। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।